हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग इस व्लॉग में पूरा एंड तक बने रहना, देखना आज का दिन मेरा कैसा जाता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और बस थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, बालकनी से आप सभी को नज़ारा दिखाया और फिर आ गई हूँ किचन में। और ये पालक रखी थी, 2 दिन की हो गई, तो देखिए इसके थोड़े पत्ते जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो इसकी सब्ज़ी तो नहीं बन पाएगी। सब्ज़ी के लिए मैंने ले लिया है आलू, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब मैंने बालकनी में बैठ के कट कर रही थी। और कूड़ा लेने के लिए आंटी जो आती हैं वो आ गई थी, तो फिर मुझे सब्ज़ी छोड़ करके उनको कूड़ा देने जाना पड़ा। और फिर मैंने सब्ज़ी कट करी, यशी को उठाया लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। फिर यशी के पापा बहुत देर ट्राई कर रहे हैं, उसको बालकनी में लेकर के बैठे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं ताकि वो उठ जाए, उसकी नींद खुल जाए, लेकिन बहुत देर तक उसको लेकर बैठना पड़ा। और आज बहुत ज़्यादा ड्रामे भी कर रही थी स्कूल जाने के लिए, तो फिर देखते हैं अभी वो उठाए रहे हैं, उसको कहानी वहानी सुना रहे हैं। तब तक मैं कपड़ों में, यशी के कपड़ों में प्रेस करके फिर आ गई थी किचन में। तो पालक तो अभी साइड में रखी, पालक देखूंगी, अगर उसमें कुछ अच्छे पत्ते निकल आएंगे तो मैं दाल बना लूंगी, पालक वाली अच्छी लगती है। वैसे भी मैंने इधर काफ़ी दिनों से दाल बनाई भी नहीं है पालक वाली। और उससे पहले लेकिन सब्ज़ी जो है वो मैंने छौंक दी थी, तो सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। मिल्क भी मैंने साथ में बॉईल कर लिया था, इसी ने टाइम वेस्ट करवा दिया थोड़ा, बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं। और अभी देखो स्कूल में सोच रही होगी मैं आऊँगी स्कूटी से। फ्रेंड्स, आज तो यशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं आज उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं था। जब उठाए उसे तो वैसे ही जिद करने लगी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। बहुत ज़्यादा समझाया और बाद में मैंने ये बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार होती हूँ, चलती हूँ। तो इस तरह जा करके वो तैयार हुई, फिर मेरे पीछे पड़ गई कि आप तैयार हो, तैयार हो। फिर मैंने कहा अब तुम्हारी बस आने वाली है, अब मैं स्कूटी से आ जाऊँगी तुम्हारे स्कूल, तुम जाओ। तो बस किसी तरह समझा करके भेजे हैं। बहुत ज़्यादा रो रही थी लेकिन आज उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कल भी नहीं गए थे इसीलिए हम लोग ने भेज दिया, क्योंकि पेपर स्टार्ट हैं इस वजह से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और मैं नीचे गई थी उसे छोड़ने के लिए, वैसे मैं जाती नहीं हूँ। अभी आयरा जो है वो स्कूल जा चुकी है और अभी बज रहे हैं 8:30, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं बाकी अपने काम करूँगी जो भी मेरे बचे। फिर मैं चली गई थी नहाने और अभी आ गई हूँ नहा करके, चाय मैंने गरम करी है। फ्रेंड्स, अभी मैं चाय जा रही हूँ पीने के लिए, मैं नहा ली थी, उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई, हस्बैंड का लंच पैक किया, वो ऑफिस गए। अभी 10:30 बज रहा है, आधे घंटे से तो मैं फ़ोन ही चला रही थी। और अब जा रही हूँ चाय पीने, उसके बाद अपने बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं वो सब करूँगी, वीडियो की एडिटिंग करूँगी। गाइज, अभी बज रहे हैं 11, चाय मैं पी चुकी हूँ और मैं अभी कर रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग। तो अभी इसमें तो टाइम जाएगा 12, 12:30 या 1 भी बज सकता है। और मेड मेरी अभी आई नहीं झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन तो हो गए हैं लेकिन झाड़ू वाली जो है वो 10:30 बजे आती है, लेकिन आज लेट हो गई है, आजकल 2-3 दिन से लेट कर रही है, तो आज कह दूंगी उसे टाइम पे आना है। और मैं तो यही सोच रही हूँ कि यशी को मैंने बोल तो दिया था मैं स्कूल आऊँगी, अब वो मेरा वेट ना कर रही हो, पता चले आके कह के गई है मुझसे अगर आप आज स्कूल नहीं आई ना तो फिर मैं घर आके सब घर का सामान सारा फैला दूंगी। फ्रेंड्स, अभी ना 12:30 बज रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग आज का लाइव कर दिया है, तो आप लोग इसमें बहुत सारा सपोर्ट करना और इस वाले में भी। फिलहाल जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है वो सब मैं कर देती हूँ। घर में काम तो वही रहते हैं रोज के ही, और बस यही सब नियम से होता रहता है। हम लोग की छुट्टियाँ तो होती नहीं है, काम तो हमारे पास होंगे ही, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, छुट्टियाँ तो मिलती नहीं है। और ये सब काम अगर एक दिन नहीं करें ना, तो एक दिन आप छोड़ दो, एक टाइम अगर मैं नहीं करती हूँ ना, तो घर की ये हालत हो जाती है कि मतलब मेरा मन भी नहीं करेगा वीडियो शूट करके आप लोग को दिखाने का। ये हालत कर देते हैं ये सब लोग घर की, वो तो मैं सारा दिन उठा उठा के यहाँ का और सामान उठा के वहाँ, वहाँ का सामान उठा करके सारा दिन कुछ ना कुछ रखती रहती हूँ, तभी हाल है। फ्रेंड्स, ये देखो मेरी प्यारी यशी स्कूल से आ चुकी है, वैसे ये बहुत देर पहले ही आ गई थी, मतलब 1/2 घंटे हो गए हैं, 1:30 बजे आ गई थी और मैं उतनी देर से यशी के साथ खेल रही थी और मैं भूल ही गई थी कि आज मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और यशी जब आई थी तो बहुत गुस्सा थी, क्यों गुस्सा थी यशी तुम उससे? आज यशी को टीचर ने फिर से मारा, पता नहीं क्यों उसकी टीचर मारती है। मम्मा, मेरे होंठ इतने पिंक लग रहे हैं ना। हाँ, आपके होंठ पिंक लग रहे हैं, मैं काली काली लग रही हूँ ना। अच्छा ये बताओ कि अभी मैंने आपकी मैम को कॉल किया था ना, तो उन्होंने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? डर गई क्या मैम आपकी? नहीं। लग रहा है आपकी मैम मुझसे डर गई? नहीं।
अच्छा चलो, आपने ये बताओ आधे घंटे से आए हो, एड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? चलो अब ड्रेस चेंज करो, फिर टीवी देखो, ठीक है? मेकअप करना, उससे मेकअप करवाना तो भूल ही गई। हाँ अभी करवाएंगे, यशी को मेकअप करना है मेरा। किसने लॉलीपॉप दी थी आपको? आरोही दीदी ने। अच्छा हाँ। वाव बहुत अच्छी है, आरोही दीदी बहुत अच्छी है। यशी अब आपकी ड्रेस चेंज कर दे, फिर आप आराम से टीवी देख लो, टीवी खोल देंगे और मैं रोटी बना लूंगी क्योंकि दीदी भी आने वाली है ना बेटा। दीदी के आने से पहले रोटी बना लूं। इस टाइम पे और ज़्यादा टेंशन है आना लोग के एग्ज़ाम जो हैं, और यशी का पूरा तैयारी कराना मेरे ऊपर ही रहता है क्योंकि उसके मैंने ट्यूशन नहीं लगा रखा। आना तो ट्यूशन जाती है लेकिन यशी का पूरा कोर्स मेरे को करवाना पड़ता है, तो इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है कि थोड़ा आधे एक घंटा मैं इसको पढ़ा दूँ। वैसे तो फिक्स रहता है 4 बजे से 5 बजे तक इसको मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है इसको भी। फ्रेंड्स रोटियां मैंने बना दी हैं और अभी गैस जो है वो थोड़ी गंदी है, ये देखो स्लैब भी अभी गंदी है, वो मैं साफ कर दूंगी बाद में। पहले खाना लगा दूंगी बच्चों का, अभी तो आईना आई नहीं, आ जाए तो खाना लगा करके जब सारे बर्तन खाली हो जाएंगे तब फिर मैं स्लैब साफ कर दूंगी, तो साफ पड़ी रहेगी। अभी साफ करूंगी तो खाना लगाने में वो फिर से गंदी हो जाएगी। ये देखिए आप लोग मेरी आईना बेटी को आते ही मोबाइल लेकर के बैठ गई है और मोबाइल चला रही है, मम्मी से हेलो भी नहीं किया और ड्रेस भी चेंज नहीं करी, अब रोने का नाटक कर रही है। अच्छा अब बेटा दीदी तो ट्यूशन चली गई है, 4 बज गए हैं, अब आप भी वर्क करो, 1:30 बजे से आके खूब टीवी देखे हो आप, है ना? तो चलो पढ़ाई करो, देखो करेक्ट 4 जो है वो एकदम बदली। जस्ट अभी अभी आयना गई है ट्यूशन और अब मैं यशी को पढ़ाऊंगी। और आज ना थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, तो क्या है कि अब ठंडियां तो स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कुछ फुल कपड़े जो है वो बच्चों के निकाल दूं क्योंकि अब शाम को और सुबह ठंड लगेगी तो इसी टाइम बच्चे बीमार हो जाते हैं अगर उन्हें फुल कपड़े ना पहनाओ या ध्यान ना दो। तो अभी इसको वर्क दूंगी, इसको मैं बेड पे नहीं बिठा रही, यहाँ पे बैठा के पढ़ाऊंगी और मैं बेड से जो भी कपड़े निकालने हैं वो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री भी हूँ, किचन मेरी साफ करने को रह गई है, तो मैं वो सोच रही हूँ पहले कपड़े निकाल लूँ फिर बाद में कर लूंगी। तो लाई थी ना ब्लू, हाँ वो आप पहनोगे फाइनली, ब्लू वाले में तो सबसे आराम मिलेगा। हाँ इतना सॉफ्ट जो है। सही कह रही हो। चलो अब आप पढ़ाई करो, दीदी भी गई आप भी करो, मैं अपने काम करूँ, है ना? जो वॉवेल होंगे उसमें एन लगता है, जो वॉवेल नहीं होंगे उसमें क्या लगता है? जो वॉवेल नहीं होंगे उसमें क्या लगेगा यशी? लगेगा ए। हाँ और जो जैसे अर्थ हो गया, रिवर हो गया। जल्दी से आप अपना वर्क फिनिश कर लो। वैसे तो किचन में जब मैं काम करती हूँ ना साथ के साथ में हमेशा साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे आलस आ गया जो भी है, तो मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे और वो बात तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अब जा कर के मतलब आप मान लो 4:30 या 5 बज गए हैं, अब मुझे लगा कि हाँ अब साफ़ कर देनी चाहिए, तो अब मैं फ़िलहाल जा कर के किचन को साफ कर रही हूँ। तो ऊपर के जो खिड़कियों के पास के टाइल्स हैं ना, मैं ना किचन साफ करके आ गई हूँ। यशी वर्क अपना कर रही है लेकिन मुझसे बीच बीच में पूछती भी जा रही है, और अब मैं बेड खोलना स्टार्ट करती हूँ। कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट किए थे तब कितना ज़्यादा सामान फैला था। अगर नहीं पता है तो वाला व्लॉग देख लीजिएगा जब मैंने सामान शिफ्ट किया था और यहाँ पर सब रखा था, तो बहुत मैंने अकेले सब कुछ किया था, कोशिश तो की थी सब अच्छे से रखा जाए, और तब से अब जा कर के खोलने वाली हूँ आज ये बेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और अभी ना शाम के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड सी लगने लगी है, तो मैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाल दे रही हूँ। यहाँ पे जो भी कपड़े रखे ना उसके ऊपर सब में मैंने ऐसी बेडशीट डाल रखी है ताकि जो भी धूल वगैरह हो ना वो इन्हीं पे हो, तो ये तो झाड़ दो साफ हो जाते हैं, अगर उनमें से हो जाता है फिर वो धुलने लायक हो जाते, फिर बेड के अंदर रखे रखे भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये मैंने अच्छा आइडिया लगाया हुआ है। अब इससे मेरे कपड़े जो है वो गंदे नहीं हुए, धूल जो भी थी वो इन्हीं में ही इकट्ठे हो रखी थी। और इसमें मुझे मिल गई थी आदर्श की जैकेट, वो बहुत दिन से मुझसे बोल रहा था कि ढूंढ देना, मुझे बिल्कुल भी मतलब कंफर्म नहीं था कि ये यहाँ मेरे पास है या फिर, क्योंकि वो कभी इलाहाबाद कभी नोएडा कभी यहाँ आता रहता है, तो ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ है, लेकिन मिल गई सामने ही। तो आयना यशी के कपड़ों के साथ साथ उसकी जैकेट भी मैंने निकाल दी, अभी आएगा जब ना तब वो ले जाएगा, अभी तो इलाहाबाद गया हुआ है, उसकी छुट्टियाँ पड़ी थी तो चला जाता है घर इसी तरह,
और ये कपड़े जो है फुल देखिए मैंने निकाल लिए हैं आयना यशी के भी, और कुछ स्वेटर थे इनर वो मैंने हटा दिया, सिर्फ फुल स्लीव्स के जो टॉप है और पैंट बस वो निकाल के रखा है, बाकी सब दोबारा से उसी में रख दिया था। लेकिन अभी पता नहीं पहनाना है या नहीं पहनाना, लेकिन निकाल दिया था। मुझे एक आइडिया भी लेना था कि क्या क्या इनके पास है या कुछ और नया लेना है। आयना आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं। रोना आ रहा है क्या? नहीं। यशी आपकी तबीयत खराब है क्या? देखो बस कमजोरी लग रही है। कमजोरी लग रही है। ओ गुड्डा उठ जा मेरा गुड्डा टेडी बियर। टेडी एक तकिया सर में एक तकिया पैर में, ये कैसे सो रहे हो तुम? उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो। ये फिर नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो है, सुबह के बज रहे हैं 6। अब वही सब काम जो है वो कंटिन्यू होंगे जो कल हुए। फिलहाल ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।